बाप रे बाप, हम लोग जा रहे हैं बंदर के मुंह के अंदर वापस। यही सही भाई, मेरी हालत टाइट, मेरे को लगता है डर। ओके रेडी रेडी, गलती से भी तेगा लालंग जाने की गलती मत करना। ये है वो रीजन, इसके लिए आपको आना चाहिए अलास हरूम। इसको मुझे फुल मेरे गांव का फीलिंग आ गया। साइज देख लो आप, मेरे मुंह का और इनके नारियल पानी का ऑलमोस्ट सेम। Hey guys, welcome back to our YouTube channel, The Kind Travelers. So we are at the Tega Lalang Rice Terrace. और आज का दिन बहुत amazing होने वाला है क्योंकि हम लोग उबुद में है और उबुद की हम लोग कम से कम 4 से 5 जगह explore करने वाले हैं, जिसमें से एक है जिसके लिए वैदू बहुत ज्यादा excited है। वैदू कौन सी है बता दो सबको। मैं बहुत ज्यादा excited हूँ बाली स्विंग के लिए, जो मैंने काफी वीडियोस देखे थे। लोग इतने इतने बड़े बड़े ड्रेसेस डालते हैं, बैठते हैं और इतना बड़ा स्विंग होता है वो। यहाँ पे भी था एक दो स्विंग, हमने देखा। अभी तक हम लोग एक्चुअल जगह नहीं पहुँचे हैं, यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको देखने मिल जाएगा। मैं करूँगा बोलूँगी पैन करने के लिए, तो मैं उसके लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और लेट्स सी, मुझे डर भी लग रहा है क्योंकि यहाँ पे इतना छोटा स्विंग था, उसमें वो एक लड़की बैठी थी, उसको देख के मुझे डर लग रहा था। आई वाज लाइक बड़े स्विंग में क्या हालत होगी, बट आई वॉन्ट टू ट्राई, मैं डेफिनेटली बैठने वाली, मुझे ये एक्सपीरियंस। यस yes, तो हम लोग तेगा लालंग राइस टेरेस पे है, उसके बाद हम लोग अलासा रूम जाएंगे, उसके बाद वैदू को स्विंग कराएंगे और उसके बाद एक तीर्थ टेम्पल है, शायद वो भी जाएंगे आज। अगर टेम्पल के लिए भी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि उसके पीछे कुछ हिस्ट्री है एकदम। बहुत ज़्यादा हर ऐसे स्पॉट्स आते हैं जहाँ से आप नहा सकते हो और बहुत मीनिंगफुल है। एग्जैक्ट क्या मीनिंग है वो पता नहीं, मे भी वहाँ पर हम जाके गाइड वाइड कुछ कर लेंगे, उसको पूछ लेंगे या फिर यूट्यूब या ऐसे कुछ सर्च करके देख लेंगे। बट अगेन दैट टेम्पल इज़ वेरी मीनिंगफुल और वहाँ पर के लिए भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ऑलराइट, तो चलो आपको ये राइस टेरेस जहाँ पर हम लोग खड़े हैं इसका व्यू दिखाते हैं और इसके बाद एक्सप्लोर करना चालू करते हैं पूरा उबुद। सो हम लोग यहाँ पे जहाँ रुके ये है बैम्बू रेस्टोरेंट, तो यहाँ से जो व्यू है मैं आपको दिखाती हूँ, चलो मेरे साथ। कुछ ऐसा दिखता है यहाँ से, एक सेकेंड आपको और अच्छा व्यू दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पर पूल वगैरह है एंड राइस टेरेस पूरा, जहाँ तक देखोगे वहाँ तक। अभी हम लोग बड़ा वाला एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। गाइज इफ़ यू कैन सी, देखो ये लड़की स्विंग करी, कितना बड़ा स्विंग है। करण बोल रहा है इससे भी ज़्यादा बड़ा स्विंग होता है वहाँ पे। ये पर जूम करती हूँ यहाँ पर, और ये वो रहा राइस टेरेस का व्यू। बाम्बू वाले रेस्टोरेंट से निकलकर हम लोग आ गए थोड़ा सा आगे। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर जो खुलते हैं सीधा राइस टेरेस में, तो आप कोई भी चूज़ कर सकते हो और जा सकते हो। तो हम लोग ने चूज़ किया एक रेस्टोरेंट, और ये जो रेस्टोरेंट अभी दिख रहा है आपको, इसका नाम है द कावी रेस्टोरेंट। ये बहुत अच्छा है लंच के लिए, तो यहाँ पर भी आप लंच करने ट्राई कर सकते हैं। हम लोग ने फिलहाल यहाँ पर बाइक पार्क की, फ्री पार्किंग थी, और हम लोग निकल गए नीचे जहाँ पर हमको स्विंग दिखी। हम लोग ने सोचा वहाँ से एंट्री ले ले, तो ये था साई माई वारुंग रेस्टोरेंट, और यहाँ से हम लोग ने सीधे अंदर एंट्री ली। नज़ारे बहुत खूबसूरत है, पर धूप भी उतनी ज़्यादा थी और इसके स्टेप्स बहुत डिफ़िकल्ट थे। पता नहीं नीचे जाने के टाइम इतना कुछ नहीं लगा, बट जब हम लोग ऊपर आ रहे थे भाई वाट लग गई थी। एंड देखने लायक तो है ये, वैसे तो बहुत देखने लायक है, वो वीडियोज़ बनाने लायक है, फ़ोटोज़ खींचने लायक है। यहाँ पर आप स्विंग कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू अदर एरियाज़। यहाँ पर स्विंग की प्राइस थोड़ी सी कम थी, 1000 रुपीज़ में विथ ड्रेस आपकी स्विंग हो जाएगी यहाँ पर। हम लोग ने एक फुट मसाज का दुकान खोल लिया यहाँ पर, तो जिसको भी फुट मसाज कराना आ जाओ, यहाँ पे राइस फील्ड का मजा लेते हुए आपको फुट मसाज मिलेगा। नहीं तो आ गए हम लोग फाइनली राइस फील्ड में, और यहाँ पर बाली स्विंग है अगर आप देख सकते हैं, मतलब ऐसा स्विंग है यहाँ पर हर जगह। बहुत सारे राइस टेरेस है, बहुत सारे रेस्टोरेंट है, और सबके रेस्टोरेंट के अपने अपने राइस टेरेस का एंट्रेंस है, और एंट्रेंस फी जाना है आप कहीं से भी सेलेक्ट करके नीचे आ सकते हो। यस, एंट्रेंस फी होती है 25,000 रुपीज एंट्रेंस फी, मतलब समझो 150 रुपए एंट्रेंस फी है इंडियन रुपीज के हिसाब से पर पर्सन, और वहाँ से आप नीचे आ सकते हो। ड्रेसेस वेसेस भी होते हैं इनके, और वो उसकी प्राइस है 1000 रुपीज स्विंग प्लस ड्रेस का प्राइस। एंड आपको एक वीडियो मिल जाएगा, पिक्चर मिल जाएगा, और पूरा स्विंग करने मिलेगा, और बहुत मस्त इंस्टाग्राम वाले वीडियोस आ जाएंगे। तो वैदू को कराने वाला हूँ, पर हम लोग बेस्ट स्विंग का इंतजार करें कि कहाँ से दिखे, कहाँ से व्यू बहुत अच्छा हो, तो वो करेंगे।
बट तब तक चलो एक्सप्लोर करते रहते। ये लड़की कर रही है स्विंग और वैदू हो रही है खुश, यहाँ पर खुश या नर्वस या एक्साइटेड? मैं तो खुश हो रही हूँ, एक्साइटेड हो रही हूँ, सब हो रही है। ऐसा लग रहा है मैं कब करूँगी, मैं कंफ्यूज जो कौन सा ड्रेस कलर, कौन से कलर का ड्रेस पहन के करूँ। मुझे लग रहा है वाइट पहन के करना चाहिए, लेट्स सी। ऑरेंज येलो भी अच्छा लग रहा है, पिंक बहुत हो गए मेरे पास। साइज देख लो आप मेरे मुंह का और इनके नारियल पानी का, ऑलमोस्ट सेम है ना। वैदू मुंह तो चुप ही गया, वैदू का मुंह तो पूरा चुप गया। नारियल पानी पीने का टाइम हो गया तो चलो नारियल पानी पीते हैं। कहाँ पे ठंडा ठंडा लग रहा है। ले लिया टिकट और वैदू जा रही है अभी स्विंग करने। स्विंग स्विंग स्विंग, देखो ये बाजू में और यही पे करने वाली स्विंग, एक्साइटेड। चलो येलो ड्रेस सेलेक्ट किया है वैदू ने और अभी वैदू को पहना रहे वो ड्रेस। वैदू कैसा लग रहा है? मस्त लग रहा है एकदम। येलो ड्रेस पहन के वैदू करने वाली है स्विंग, ये वाला स्विंग। अभी टाइम है वैदू का, ये चढ़ रही है यहाँ से और वैदू यहाँ से चढ़ गई ऑलरेडी और देखो कितनी बड़ी टीम है। लेट्स सी हाउ इट गोज, मजा आ रहा है देखने में एक्चुअली। ओके रेडी रेडी किश रेडी वैदू रेडी। वो क्या बात है भाई साहब, आ चलो भाई साहब, दिस इज इनक्रेडिबल। हो गया गाइस, गो चेक आउट हर इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम के लिए भी बहुत अमेजिंग वीडियोस आए और कुछ अमेजिंग फोटोज आए। यस इट वाज लुकिंग वेरी गुड एंड वेरी ब्राइट। स्विंग करके हो गया, अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आए और ये एक बहुत बहुत क्यूट स्पॉट दिखा है। तो यहाँ पर मैंने वैदू के कुछ अमेजिंग फोटोज खींचे जो वापस आने वाले उसके इंस्टाग्राम पे, तो जाकर जरूर देखना। लड़की वही फोटो देख रही है अभी कि कैसे आया कैसे नहीं, और एक और अभी कुछ रील बनाने वाली है तो वो भी जाकर जरूर देखना। और ये जगह क्या मस्त है यार, देखो मतलब वहाँ पे स्विंग किया था अभी हम लोग ने, अभी थोड़ा सा नीचे आए और सब लोग यहाँ पर स्विंग कर रहे थे। देखो सामने भी एक स्विंग चालू है, मस्त है यहाँ पर फोटो स्पॉट्स के लिए। अब हम लोग निकल गए हमारे नेक्स्ट स्पॉट के लिए जो है अलासरूम। वहाँ पर भी स्विंग होती है और उसके साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। अलासरूम ना एक आप पार्क जैसे ही बोल सकते हो है, और यहाँ पर जाने के लिए आपको 50,000 रुपीज़ एंट्री फ़ी देनी पड़ती है, मतलब 275 इंडियन रुपीज़ पर पर्सन। अगर आपका रिजर्वेशन है यहाँ पर, आपने एक दिन पहले ही कोई बुकिंग की है, तो आपको ये अमाउंट नहीं देना पड़ेगा। रिजर्वेशन नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप टिकट ले सकते हो और एंटर कर सकते हो। तो हम लोग ने टिकट ले लिया है, अभी हम लोग कर रहे हैं एंटर अंदर। यहाँ पर बाहर का फूड और ड्रिंक्स अलाउड नहीं है, इन लोग रख लेते हैं। वेलकम टू अलासरूम बाली, एंटर कर लिया है हम लोग ने अलासरूम में। और भाई साहब ये जगह मस्त लग रही है एकदम, हाँ वैदू दिस लुक्स ब्यूटिफुल। धीरे 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 चलो स्टेप्स है, चलो चलते हैं अंदर। Yes, yes. Yeah. So no animal. So normally after pet life. Yeah, boy animal. But sometimes they are hungry and they wake up. Oh. So guys, ये जो coffee है, अभी जो processing मुझे explain करने वाली, ये इस animal के poo से बनी है, potty से. तो वहाँ भी उसका potty भी रखा है, right? Different poo. Poo, different poo. Yeah, if they eat banana, papaya and cacao, they poop like that. ओके तो गाइस वो क्या खाते हैं उसके ऊपर उनका पूप डिसाइड करता है। अभी इन्होंने कहा जैसे बनाना चेरीज खाएंगे तो वैसा पूप दिखेगा, और कॉफी का व्हाट कॉफी चेरीज खाएंगे तो वैसा दिखेगा। लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोसेस, और ये कॉफी किसको पीनी है मुझे बताना। सो गाइस अभी इन्होंने एक्सप्लेन किया, अगर वो एनिमल ने कॉफी बीन्स कॉफी चेरी खाया होगा तो ही ऐसा पूप होता है। उसके बाद वो ऐसे होता है, इसको ड्राई करते हैं 5 दिन तक, फिर ऐसे होता है, ऐसे होने के इसका छिलका निकालते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करने के बाद इसको अच्छे से वॉश करते हैं, फिर सुखा देते हैं। दिस इज हाउ इट लुक्स, और आगे का प्रोसेस वो आगे बताएंगे वहाँ पे, तो चलो चलते हैं।
what are these flowers? For making some tea, like we have local tea here. Okay. Like mix kar karke. Okay. For the luwak coffee, pure luwak coffee. Okay. So ye sab mix kar karke un log coffees banate hai guys. So yahan par wo sara process hota hai. My God, इसका जो खुशबू आ रहा है जितना उधर वो लग रहा है यहाँ पे वो रोस्ट कर रहे हैं 45 मिनट My God, this is so strong. जो कॉफी लवर है ना उसको ऐसा हिट होने वाला It's that crazy. Oh my God, yeah. Pure coffee. And then to make it the powder, so we have to grind it here. Oh, this means what? Oh. Okay, I'll try. मैं इसको grind कर रही हूँ for the picture. इसको मुझे फुल मेरे गांव का फीलिंग आ गया तो ऐसे पीसते हैं इसको तब जाके कॉफी पाउडर बनती है गाइस आप देख सकते हो बट इट लुक एंड ऑल दी स्पाइसेस यू हैव टू ऐड इन दैट और व्हाट द कॉफी फॉर द टी फॉर द टी दिस आर फॉर द टी ओह नाइस दिस इज द लास्ट प्रोसेस ओके सो द लुआ कॉफी विद प्योर ओह नाइस दैट्स द फाइनल कॉफी राइट कॉफी पाउडर यस और ये ऐसा 45 मिनट तक हिलाते ही रहना पड़ता है देखो जैसे हिला रहे हैं वैसा ये करते ही रहना पड़ता है लुआ कॉफ़ी अगर आपको टेस्ट करनी होगी तो उनका कैफ़े भी बाजू में ही आप टेस्ट कर सकते हो वो कॉफ़ी बट हम लोग ने नहीं की क्योंकि थोड़ी सी वियर्ड लगी हमको बट आप कर सकते हो और अला सरूम का ये पूरा इन्फॉर्मेशन जो है मैंने यहाँ पर उसका एक पूरा वीडियो निकाल दिया ताकि आपको रेट्स वगैरह समझ जाए सिर्फ इतना याद रखो 100K यानी 1,00,000 रुपये इंडोनेशियन मतलब इंडिया के 550 रुपये गलती से भी तेगालालंग जाने की गलती मत करना अला सरूम आना है ना वैभव क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें करने के लिए और बहुत ही अच्छा है मतलब पूरा झाड़ और कवर्ड है धूप बिल्कुल नहीं है वहाँ पे बहुत ओके था यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सो लेट्स एक्सप्लोर मोर यस लेट्स एक्सप्लोर ये है वो रीज़न इसके लिए आपको आना चाहिए अला सरूम सो ब्यूटिफुल वैदु सो ब्यूटिफुल राइट सो बिग एंड सो ब्यूटिफुल और मुझे यहाँ का एक चीज़ बहुत अच्छा लगा कि इनके पास एक फोटोग्राफर भी है तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अगर आपको खुद को पिक्चर्स क्लिक करने नहीं आ रहे तो प्रोफेशनल फोटोग्राफर जो आपको वीडियो भी बना के देगा और फोटो भी क्लिक करके देगा तो विच इज बेस्ट पार्ट अबाउट दिस यस यू हैव टू पे देम ऑफ कोर्स बट वो करके देंगे विच इज नाइस नाइस यस ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ओके ये कौन सा ड्रेस पहनने वाली है तो पिंक 3,00,000 रुपीस का ड्रेस है गाइस 3,00,000 रुपीस का ड्रेस मतलब 1,600 मैं आता हूँ रुक वैदु हो गई है रेडी और जा रहे हैं हम लोग अभी स्विंग करने और ये ऐसा वैसा स्विंग नहीं भाई इसके पहले आपने देखा वैदु का सिंगल स्विंग अब हम लोग कपल स्विंग करने जा रहे हैं इसने मेरे को जबरदस्ती लिया है इसमें मेरे को बहुत डर लगता है इसमें वैदु इन पिंक स्विंग देखते हैं अब कैसा लगता है बाप रे वो सिंगल वाला देखो कितना डेंजर चल रहा है चलो चलते कपल स्विंग करने भाई मेरी हालत टाइट मेरे को लगता है डर और ये लड़की को कोई डर ही नहीं है देखो सीधा चले जा रही भागे जा रही है अरे बाप रे बाप वो क्या भाई स्विंग कर लिया और अब जा रही वैदु चेंज करने फाइनली अपने ओल्ड नहीं न्यू है कल ही खरीदे गए बाप रे बाप अरे रे रे और तो वो चेंज करके आती है तब तक देखते हैं अब मैं बैठ जाता हूँ यहाँ पर कहीं पर यहाँ पर स्विंग है फ्लाइंग फॉक्स है स्काई बाइक है और राइस फील्ड है तो चलो एक्सप्लोर करते हैं शूट्स के लिए ऐसे सब बना कर रखे हैं यहाँ पर और वहाँ पर भी बहुत कुछ है तो चलो जाते हैं नीचे है ना हाँ वो चलो देखते देखते क्या वही से वैसे ही यही से नीचे जाना है लेट्स गो और क्या क्या है यहाँ पर है कपल स्काई बाइक ओके दो लोग एक साथ साइकिल चला सकते हैं ये देखो ये कपल स्काई बाइक और क्या चलो एक्सप्लोर कर रहे हैं हम लोग भी वो गुफा के इधर चलता है ये डांसिंग ब्रिज और वैदु यहाँ पर जाने वाली भाग के चलो देखते कैसे जाती है भागो
मैं भी आता वाके ये कुछ नहीं हुआ तू जब भी आप पर मजा आया ना पहुंच गए यहाँ पर। So guys, हम लोग जा रहे हैं बंदर के मुंह के अंदर। Are you guys ready? चलो। अंदर तो नहीं जा सकते बट यहीं पे फोटो खिंचाएंगे और क्या। हमारी चिड़िया चली गई उसके घोंसले में। ओए चिड़िया, ओए चिड़िया, यहीं पे रुक जाते रात भर आने आज। हाँ आया। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना एक्चुअली। हम लोग ना अंडे देने कुछ भी, हम लोग साथ में फोटो ही नहीं क्लिक कर पा रहे तो हम लोग सोचे जहाँ जहाँ हम लोग ब्लॉग में साथ में आएंगे उतना ही पार्ट देख पाएंगे। वही हमारे मेमोरी है ही नहीं फोटोस क्लिक। कोई बात नहीं, एक फोटो क्लिक करते 1 2 3। ये पानी क्लीन दिख रहा है लेकिन ना यहाँ पे वो गटर का बास आ रहा है। एट द एंड वो नाला ही है ना, जैसे फोटो क्लिक किया हम लोग भाग गए यहाँ से। भी हम लोग जा रहे हैं एक गुफा के अंदर। भाई साहब क्या डेंजर है, इतना ठंडा। अच्छा लाइट की जरूरत नहीं है, यू कैन। मैं तो डरता हूँ। अरे इतना सही है, मेरे को लगा क्या गुफा है क्या नहीं। नहीं वहां से कोई आ रहा रहेगा ना? नहीं चल ठीक है, कोई नहीं आ रहा। चलो वापस यही से जाते हैं बाहर। आगे बाहर, आगे बाहर। हाँ चलो, पूरा डे तो मजा आ गया एकदम। अलासा रूम में हम लोग ने स्पेंड किया, स्विंग किया, सब कुछ किया। अब हम लोग आ गए अलासा रूम में। ये एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट नहीं आप इसको बोल सकते हो कि पूल साइड कैफ़े, जिसका नाम है क्रेटिया क्लब। तो क्रेटिया क्लब में जब आप जाते हो तो पूल साइड के टेबल अगर आपको लेने हैं तो उसमें आपको मिनिमम स्पेंड करना पड़ता है और वो मिनिमम स्पेंड काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हम लोग दो ही लोग थे तो हम लोग ना इतना ज़्यादा ड्रिंक करते हैं और ना ही इतना ज़्यादा खा सकते हैं। इसीलिए हम लोग ने चूज़ किया एक शेयरिंग टेबल जहाँ पर आपको बस आपके फूड और ड्रिंक्स के पैसे देने होते हैं और कोई मिनिमम स्पेंड नहीं होता है। और हम लोग ने ऑर्डर किया था एक पिज्ज़ा और ब्रोकली जो बहुत 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 टेस्टी था। सब लोग बोल रहे हो फ्रॉग नहीं स्नेक का साउंड है, सच में आए हैं सब लोग बोल रहे। इट्स फाइन, इट्स अ फ्रेंडली स्नेक। जो भी हम लोगों को कल कुछ किया नहीं। तो नाउ वी हैव एंडेड आवर डे इन अलासा रूम एंड वी आर एंडिंग विद सम शॉपिंग। तो वैदु को सोप्स, हैंडमेड चीजें हैं जैसे कि बॉडी इतर, बॉडी परफ्यूम्स, बॉडी सोप। इफ यू कैन सी दी सोप, आई एम सो ऑब्सेस्ड विद सच सोप्स। करण को पता है, करण मेरे लिए हमेशा लेके आता है या मैं खुद अपने लिए लेती रहती हूँ। तो ये हैंडमेड सोप है कुछ सैंडलवुड, लेमन ग्रास और ऐसे रोज एंड ऑल फ्लेवर के। तो मुझे ये तीन बहुत अच्छे लगे, सो आई एम गोना टेक दिस थ्री, जिसमें ये मेरी दो फेवरेट है। दिस इज समथिंग न्यू, ग्रीन क्वीन, नाइट क्वीन, लेट मी ट्राई दिस। तो ग्रीन क्वीन बोल रही मैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें, कुछ कॉफ़ीज़ है। कॉफ़ी तो मैं इतना पीती नहीं हूँ तो आई एम नॉट गोइंग टू टेक कॉफ़ी। ये भी कुछ कुछ चीज़ें, व्हाट आर दीस? टी, टी, कोकोनट कॉफ़ी, कॉफ़ी, कॉफ़ी विद शुगर, फ्लेवर विद शुगर, ओके, दीज आर एंड विदाउट शुगर, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग ऐसे एक्सप्लोर करते रहेंगे। मोस्टली हमारे दिन ऐसे ही खत्म होने, आपने देखा हमने पूरा दिन क्या किया। करण कैमरे के पीछे कुछ बोलना है? बस ये व्लॉग इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब एंड आई होप टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। या एंड आई होप यू आर एंजॉयिंग द बाली व्लॉग्स। अब और व्लॉग्स आएंगे सो तब तक के लिए बाय बाय। आस्किंग टू कमेंट एंड ऑल। या या कैन यू आस्क वंस अगेन? ही इज कमिंग, दैट्स हिज रीड ऑफ। बाय गाइस, बाय। इंडिया से यहाँ आकर काफ़ी दिन हो गए तो हमें घर वालों की और घर के खाने की भी काफ़ी याद आ रही थी। तो हम लोग आ गए इंडियन रेस्टोरेंट, खाना खाया और ये दिन यहीं पे एंड कर दिया।